जैन साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई टी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की कौन नई भर्ती यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। आपकी ये जो भर्ती निकली है, आपको देखिए युवा पेशवर की भर्ती यहाँ पर होनी है, ठीक है ना। इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे 31/8 को यहाँ पर ये जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का जो एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस है, आप लोगों की भर्ती रहेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भर्ती होनी है आपका ऑफलाइन ये रहेगा, ठीक है ना। इसका जो आवेदन देखो किस तरह बनना वो देख लेते हैं। इसका जो आवेदन ये रहेगा, यहाँ पर इसका जो आवेदन रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म द युवा प्रोफेशनल, ठीक है ना। स्कीम इसके अंतर्गत भर्ती होनी है। इसमें लग जाएगा आपका फोटो, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पर नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हैं आपकी, यहाँ पे फोन नंबर हो तो मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी वो डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने डिग्री डिप्लोमा क्या किया वो यहाँ पर डाल दें, उसके इन्फॉर्मेशन डाल दें पूरी। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दें आप लोग, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन कोई अदर कोई है आपके पास वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रहेगा डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, उसको पढ़ लेना आप लोगों को। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका स्थान आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोग भर के भेज देना। कहाँ पर भेजना देखिए यहाँ पे। अब ये वैकेंसी देखिए यहाँ पर जारी की गई आपकी वैकेंसी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो पद का नाम रहेगा युवा पेशवर का पद का यहाँ पर रहने वाला है, और एक पद यहाँ पर निकाला हुआ है। यहाँ पे आयु सीमा है, मैक्सिमम जो आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और अनुबंध के आधार पर आपका यहाँ पर किया जाएगा, नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होनी है, ठीक है। और यदि आप अच्छा काम करते हैं तो बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। और मैं स्थान बात करूँ कहाँ पर ये होनी है, तो कार्यालय आयकर आयुक्त आपका AV दूसरी मंजिल सी GO कॉम्प्लेक्स AV रोड शिवाजी चौराहा इंदौर, यानी इंदौर में आपकी भर्ती होनी है, इंदौर का यूपी ऑफिस रहने वाला, ठीक है। यदि मैं सैलरी की बात करूँ तो 40,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और हम शैक्षण योग्यता की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग के सामने निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर लूँ योग्यता की, तो यहाँ पर मानता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने, कॉलेज से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानता प्राप्त संस्थान से आपने स्नातक किया कानून में, या स्नातक डिग्री की हो तो आप लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, उम्मीदवार को 3 वर्षीय LLB हो या 5 वर्षीय आपका एकीकृत LLB हो तो आप लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। बड़ी तयुक्त है चार्ट अकाउंट में, जिन्होंने कराधान में अपनी आर्थिक स्लिप पूरी तैयार कर ली है और कानून स्नातक उन्होंने पास कर लिया है, तो उन्हें यहाँ पर प्रार्थना दी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, आपका क्या काम करना होगा, तो यहाँ पर देखिए युवा पेशवर सूचीबद्ध प्रकरणों से संबंधित किताबों का अध्ययन करना है, निदाय द्वारा भेजे गए निर्णय का विश्लेषण करना है, तो बहुत सारे यहाँ पर काम आएंगे जो आपको यहाँ पर करना पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना पूरा, ठीक है। आपको चयन कैसे किया जाए, तो आपका जो चयन होगा स्क्रीनिंग होगी आप लोगों की, आपका जो इंटरव्यू वो यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। आवेदन आप लोगों को तो कहाँ पर भेजना है, तो आयकर प्रधान आपका मुख्य आयुक्त, ठीक है, आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है ना, आयकर भवन होशंगाबाद रोड मेहता मिल के सामने भोपाल, जो इस एड्रेस पे आप लोगों को जो आवेदन है वो आप लोगों को भेजना है, ठीक है ना। आपका ऑफलाइन रहने वाला है और आपका जो सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ईमेल या SP के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। सबसे डॉक्यूमेंट आप लोग भेजना है, ठीक है ना। और आप जब भी आपका इंटरव्यू, तो आप लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस एक कॉपी सेट वो आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो आवेदन है 22 सितंबर तक आप लोगों को जमा कर देना, 5 बजे तक, ठीक है। आवेदन प्रारूप मैंने बता दिया आप लोगों को, उनकी वेबसाइट पे आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर भेज सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका आप लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी, मैंने बता दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग स्वागत कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो वेबसाइट चलते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप लोग इनकम टैक्स वेबसाइट पर आओगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यू प्रोफेशनल पर क्लिक करोगे तो इसका जो नोटिफिकेशन वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने इंग्लिश में आ जाएगा प्लस हिंदी में जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी में भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए दो तरह से नोटिफिकेशन है, आपका हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको जो भर के भेजना है वही है, ठीक है। तो इसका हम लिंक दे देंगे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्तों, थैंक्स।